फर्स्ट टाइम है कैसे ओपन टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, लड़की ग्रूम और ग्रास रूट पे वो काम हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी है। और आइंदा भी हम चाहते हैं किस तरह के टूर्नामेंट्स होते रहे ताकि लड़कियाँ नए से नए पाकिस्तान टीम को फ्यूचर स्टार मिलते रहें। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कैश स्पोर्ट्स का और पंजाब यूनिवर्सिटी की, जिन्होंने कोलैबोरेट करके ये एक बहुत अच्छा मैच ऑर्गेनाइज करवाया बिटवीन ऑल द टू टीम्स। बहुत अच्छी चीज़ है ये, ऐसे मैचेस और होने चाहिए ताकि हमारी टीम्स के लड़कियों के प्रमोट हो, उनकी क्रिकेट आगे जाए। देखें, ये बड़ी हमारे लिए ऑनर है कि जो फीमेल है वो पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का 52% जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, और इस तरह की जो एक्टिविटी जो पंजाब यूनिवर्सिटी और स्पेशल क्रेडिट गोज़ टू मिस्टर काशिप भट्ट साहब जिन्होंने इनवाइट किया, और मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ पिछले 2-3 साल से, ये रेगुलर वुमेन क्रिकेट के ऊपर बहुत काम कर रही हैं। और ये आज का इवेंट जो है ये इसको इन्होंने कश्मीर की आज़ादी के साथ इनको लिंक किया है, और मकसद यही है कि जो फीमेल हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे वो आके अपनी जो स्किल्स हैं उनको शोकेस कर सकें। एक कवर्ड ग्राउंड एक तहफ्फुज़ के साथ लड़कियाँ यहाँ पे खेल रही हैं, और यहाँ पे प्रमोट हम एक्चुअली फाउंडर है इस पंजाबी यूनिवर्सिटी वेमेन स्पोर्ट्स के, और हम इसको मज़ीद आगे लेके जाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं इस तरह के मज़ीद इवेंट्स करा के हम बच्चियों को, जो बच्चियाँ जो पेरेंट्स को गैर तहफ़्फ़ुज़ महसूस करते हैं, इस चार दीवारी में बच्चियों को गेम की सहूलियात मुहैया करें ताकि पेरेंट्स भी रिलक्टेंट ना हो अपनी बच्चियों को गेम्स में भेजने के लिए, और हम मज़ीद इसको प्रमोट करें स्पोर्ट्स को। पिछले 2 साल से इनिशिएटिव लिया है वुमेन क्रिकेट को प्रमोट करने का पाकिस्तान में, 4 इवेंट करा चुके हैं, कैश स्पोर्ट्स मैनेजमेंट हमारा 5वां इवेंट है, और खुशी हो रही है पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन के साथ करवाया जा रहा है, और ये इनिशिएटिव इसलिए भी अच्छा, लोग इसको पजीराई मिल रही है कि पहली दफ़ा वुमेन क्रिकेट लाइव जा रही है, हमारे तमाम इवेंट्स लाइव जा रहे हैं, यूट्यूब फेसबुक पर लाइव जा रहे हैं, ताकि घर में माएँ बहनें बेटियाँ जितनी भी देख रही हैं अपनी बहनों को बेटियों को लाइव अपने घर में देख सकें, उनको पता लगे कि वो सिक्योर माहौल में और प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर में क्रिकेट खेल रही हैं।